हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के डीप वाटर चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इसके राइटर हैं विलियम डॉगलेस। तो इस चैप्टर में हम विलियम डॉगलेस के एक बायोग्राफिकल अकाउंट को स्टडी करेंगे। होता क्या है, जो ऑथर हैं हमारे वो पूल के पास बैठे हुए हैं। उनकी मॉम पूल, तालाब, नदी, नालों, इनके पास जाने से मना करती हैं। और जितनी भी फियर वाली स्टोरीज होती हैं, डरावनी स्टोरी या जितने भी एक्सीडेंट वाली स्टोरी होती हैं, वो ऑथर को सुनाती रहती हैं ताकि ऑथर पूल नदी के पास ना जाएं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ऑथर छोटे थे, बचपन में वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गए थे। अब ब्रिज पर वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उनकी सांसें कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं। ऐसा लगता है कि जो विलियम डॉगलेस हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, बट गॉड की मदद से, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, वो बच जाते हैं। इसलिए उनकी मॉम काफ़ी डरती हैं उन्हें पानी के पास ले जाने से। बट विलियम डॉगलेस को अपना ये फियर दूर करना था। वो सोचते रहते थे कि मैं अपने इस डर से कैसे बाहर निकलूं। वो पुल पर बैठे सोच ही रहे थे कि एक बुली बॉय आता है, उसके बॉडी शॉडी बनी हुई थी और 18 ईयर उसकी एज रही होगी। वो उनको पूल में पुश कर देता है और अब ऑथर पूल के अंदर थे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पूल का उथला वाला हिस्सा 3 फीट का रहता है और गहरा वाला हिस्सा 9 फीट का रहता है। अब ऑथर पानी के अंदर चले तो गए थे, अब उनको डर ये लग रहा था कि मैं इससे बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। पर इन सारे डरों को दूर रखते हुए, वो पानी से तो डरते रहे, उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसे ही मैं 9 फीट वाले साइड में जाऊंगा और जमीन को टच करूंगा तो खुद को पुश करूंगा, मतलब जमीन में पैर लगेगा तो पैर लगाकर खुद को ऊपर की ओर पुश करूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। बट जैसे ही वो 9 फीट वाले एरिया में जाते हैं, वो खुद को पुश करते हैं, कई बार करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। उनके लंग्स में वाटर जा चुका था बट वो ऊपर नहीं आ पाते। और अब थक हार कर वो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो दूसरों से हेल्प मांगे। दूसरों से हेल्प मांगने के लिए वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बट चारों तरफ तो पानी था यार, तो उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। जो पानी था उसके पूल पर, पानी के ऊपर येल्लो कलर की लाइट गिर रही थी। तो येल्लो कलर की लाइट गिरने से जो नीचे का पानी था ना, वो एकदम से भयानक रूप ले चुका था। ऐसा लग रहा था किसी गुफा में आपको बंद कर दिया है। और ऑथर को इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा था। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। वो थक हार कर नीचे की तरफ डूबने लगे थे कि जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो पुल के बाहर है और जो बुली बॉय जिसने उनको पुश किया था वो उनसे सॉरी मांगता है, खुद को सॉरी फील करता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तुमसे मजाक किया था। अगर उस बुली बॉय से कुछ नहीं कहते, वो खुद सोच रहे थे कि आज मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इस फियर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि मैं एक ट्रेनर को हायर करूंगा, वो मुझे ट्रेन करेगा कि ब्रिज में या फिर कैसे तैरना है, कैसे वाटर के फेयर से दूर जाना है। अब हो क्या रहा था, जैसे ही जो ऑथर हैं वो किसी काम को भी कर रहे थे, उनके दिमाग में वही वाली सिचुएशन आ जाती थी जब वो पूल के अंदर थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उन्हें कोई नहीं बचा रहा था, वो खुद को बचा ही नहीं पा रहे थे। तो वही डर उनको बार बार परेशान कर रहा था और उनके दिमाग में अब बस इतनी बात थी कि अब मैं इस डर में और नहीं जी सकता। उस एक्सीडेंट के बाद वो वाटर के साथ साथ सारी चीजों से डरने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो किसी भी काम को करने जाते वही एक्सीडेंट उनके माइंड में आ जाता और वो किसी भी काम को नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया था और वो वीक में 5 डेज उस ट्रेनर के साथ 1 आवर के लिए रहते थे, ट्रेनिंग करते थे कि भाई कैसे इस फियर से वो बाहर आ सकते थे। अब उनके ट्रेनर ने स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने एक रस्सी का हिस्सा उनके हाथ में पकड़ाया और कहा आप जाइए और स्विमिंग कीजिए 3 फीट वाले हिस्से में और मैं इस रस्सी को बाहर से पकड़े रहूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो मैं उसको खींच लूंगा, मैं इस रस्सी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो 9 फीट वाले हिस्से में ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं। 3 फीट वाले हिस्से में ट्रेनिंग होने के बाद फिलहाल वो तैरना सीख गए थे हल्के हल्के, बट वो रस्सी के बिना नहीं तैर पा रहे थे। धीरे धीरे विलियम डॉगलेस ने अपनी लिमिट बढ़ाना स्टार्ट किया और फाइनली वो डे आ गया कि बिना सपोर्ट के वो 9 फीट वाले पूल में भी तैर पा रहे थे। तब उनके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अब आप सेफ हैं और अब आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह स्विमिंग कर सकते हैं।
अब विलियम को खुशी तो बहुत थी, बट वो खुद को चेक करना चाहते थे। वो सारे स्विमिंग पूल में जाते हैं, नए नए तालाबों में जाते हैं, खुद को स्विम करके खुद से आंसर मांगते हैं, मतलब कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। नई नदी, तालाब, झरने, झील, सब जगह जाकर वो स्विमिंग करते हैं और वो देखते हैं कि वो कर पा रहे हैं। तो उनके अंदर जो फियर था वो कहीं ना कहीं अब जा चुका था। वो हर जगह स्विमिंग कर पाते थे, अब उन्हें डूबने का कोई डर नहीं था। जैसे वो एक बार पूल में डूब गए थे, अब वो डर उनके अंदर से जा चुका था। और विलियम को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी। इसके बाद उन्हें याद आती है ट्रेसी व लूजमेंट की एक बात, कि वो किस तरह से कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर, फियर इज सेल्फ, मतलब हमें फियरलेस रहना चाहिए, मतलब हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। अगर हमें किसी चीज से डर लगता है अपनी लाइफ में तो वो है डर। हम डर से ही डरते हैं यार। अगर आप उसी चीज को ओवरकम कर लेंगे तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और ऑथर बताते हैं कि जो ये डेथ है उसमें कैसे उन्होंने पीसफुलनेस महसूस किया था, क्योंकि वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कर चुके थे। गाइस, ये था हमारा डीप वाटर चैप्टर की शॉर्ट समरी। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।